नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि उन्हें खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है, ये जितना सशक्त होंगे नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। पीएम ने ट्वीट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पोस्टर भी साझा किया। उसमें लिखा कि किसान की मेहनत को दे रही एक मजबूत आधार पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त हर बार। ट्विटर के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 11.3 करोड़ किसानों के खाते में 1.82 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं और इस निधि के जरिए सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि देशवासियों को रामनवमी की ढेर शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम। मान्यता है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी दिन देश भर में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि पुलिस ने शिवसेना भवन पहुंचकर इसे बंद करवाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता यशवंत किलेकर को भी हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से मनसे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में कैदियों के लिए एक निर्देश जारी किया था, जिसके चलते यूपी की जेलों में अब महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र बजेगा। और इसी कड़ी में सीतापुर जेल में रविवार को कैदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए गायत्री मंत्र बजाया जा रहा है। इस जेल में अभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज सांसद आजम खान भी 2.5 साल से अधिक समय से बंद हैं। वे भी अन्य कैदियों के साथ गायत्री मंत्र का पाठ सुन रहे हैं। जेलों में गायत्री मंत्र का पाठ कराया जा रहा है। हालांकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि गायत्री मंत्र से मन शांत रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला पहुंचकर सत्ता व संगठन की नब्ज टटोली है। इस दौरान उनकी भाजपा विधायक दल कोर ग्रुप व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब पाया जाता है उसका टिकट कटेगा और इसी तरह संगठन में भी परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि विधायक व पार्टी पदाधिकारी जनता के बीच जाएं और उनको केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा संगठन है जिसे चुनाव में जाने से डर नहीं लगता। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि पार्टी किसी भी स्तर पर कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अब भाजपा का फोकस हिमाचल प्रदेश व गुजरात पर है, जिसका शंखनाद अभिनंदन समारोह के माध्यम से कर दिया गया है। सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ के अंदर 12 अप्रैल को कोई भी कैब या ऑटो या फिर टैक्सी नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ने पर सभी चालकों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम तो बढ़ रहे हैं, मगर उनको यात्री ले जाने वाले बढ़े हुए दाम नहीं मिल पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के कारण वे मजबूर हैं कि पुराने रेट पर अपने वाहन कैसे चलाएं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुराने दामों पर कैसे पहुंचाएं। उनकी मांग है कि प्रशासन के द्वारा यात्रियों को आवागमन करवाने के लिए उनके वाहनों के दाम भी बढ़ाए जाएं। इसलिए मजबूरन 12 अप्रैल को वे ट्राई सिटी में चक्का जाम करेंगे। यह एक सांकेतिक लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। यदि प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी ऑटो कैब प्रदर्शन ड्राइवर की मांगे ना मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फैसला लिया जाएगा। 12 अप्रैल को सांकेतिक रूप से होने वाले प्रदर्शन के बाद लोग अपनी आगामी रणनीति पर फैसला ले सकते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1054 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब संक्रमित लोगों की संख्या करीब 4,30,35,271 हो गई है, जबकि 2,900 लोगों की मौत के बाद
देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,21,685 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,132 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 233 की कमी आई और इसी के साथ देश में अब तक कुल 4,25,02,454 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज।